Good morning, students. Welcome to Class 12th Commerce. And our subject for the day is Business Studies. आज हम Business Studies के next chapter को start करेंगे. Okay? तो what we have finished earlier? हमने last session में क्या complete किया था? हमने complete किया था directing. Okay? तो आज का हमारा जो next chapter होगा वो क्या होगा? Controlling. तो आज हम start करने वाले हैं controlling. Okay? तो कंट्रोलिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स. हमारे इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, इस सेशन में हम क्या क्या सीखेंगे. ओके, तो फर्स्ट लर्निंग आउटकम इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग, कि कंट्रोलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है इसको हम समझेंगे. ओके, सेकेंड वन इज टू एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कि कंट्रोलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है. थर्ड वन टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप है. और लास्ट वन डिस्कस द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, कि क्या क्या स्टेप्स हमें लेने होते हैं जब हम कंट्रोलिंग प्रोसेस को अंडरटेक करते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. फर्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग, कि कॉन्सेप्ट क्या है कंट्रोलिंग का. तो इसे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एक बार. डिड यू एवर रियलाइज्ड व्हाई योर टीचर्स गिव यू असाइनमेंट, आपके टीचर्स आपको असाइनमेंट क्यों देते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर. आप देखते हैं कि आप हमेशा आपको टीचर एक चैप्टर या एक यूनिट कराने के बाद आपको कुछ असाइनमेंट देते हैं. व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, व्हाई योर टीचर कंडक्ट एग्जाम पीरियडिकली, आपके एग्जाम्स क्यों लेते हैं. These are done to check your performance. ये इसलिए किए जाते हैं कि आपकी performance check की जाए, जिससे ये पता लग पाए कि what you have done earlier on the basis of the material provided or on the basis of the input given by your teacher, आपने कैसा performance किया. These are done to check your performance only and compare your performance with the target the teacher have made for you and the target which you have made for you. And this is what is done in what is done in controlling also. इसी को हम क्या बोलते हैं, controlling. यानी management के view में इसी को controlling कहा जाता है. तो आगे continue करते हैं meaning से. तो what do you mean by controlling? तो controlling is the process of comparing actual performance with the standard or planned performance, finding out any deviations and taking corrective measures to overcome those deviations. यानी एक controlling एक ऐसा process है जिसमें हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपनी स्टैंडर्ड या जिसको हम प्लान परफॉर्मेंस बोलते हैं उसके साथ कंपेयर करते हैं. एंड कंपेयर करने के बाद ये फाइंड आउट करते हैं कि क्या कोई डेविएशंस तो नहीं है, जो हमने प्लान किया था और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें कुछ डिफरेंस तो नहीं है, कोई डेविएशंस तो नहीं है. इफ़ देर इज सम डेविएशंस तो हम उन डेविएशंस को पता लगाते हैं एंड देन टेक करेक्टिव मेजर्स टू ओवरकम दोज डेविएशंस. और उन डेविएशंस को पता लगाने के बाद हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं जिससे उन कमियों को उन डेविएशंस को दूर किया जा सके. दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन कंट्रोलिंग. इसी को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग. ओके, तो इसी के कंटिन्यूटी में हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग की. तो डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन यहाँ पे आपके सामने क्विंटेजन ऑड ओनेल की मैं डिस्कस कर रहा हूँ. तो what does he says, क्या कहते हैं वो. Managerial control implies the measurement of accomplishment against the standards and the correction of deviations to assure attainment of objectives according to plans. यानी कुल मिलाकर measurement करना जो हमने accomplishment किए हैं अपने objectives को और उसको compare करना जो हमारे planned objectives थे, जिससे कि उनको confirm किया जा सके, उनको match up किया जा सके. okay? ओके, तो हम एक और जनरल डेफिनेशन की बात भी कर लेते हैं इसमें. कंट्रोलिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस टू इंश्योर दैट ऑल एक्टिविटीज कंफर्म टू द स्टैंडर्ड. यानी कंट्रोलिंग एक ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जो जिसमें हम किसको कंपेयर करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि सभी काम हमारे जो थे वो स्टैंडर्ड के हिसाब से ही कंप्लीट हो रहे हैं. ओके, तो हमने अब डिस्कस क्या कर लिया, डेफिनेशंस. ओके, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्या, नेचर और फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग, की कंट्रोलिंग की क्या फीचर्स हैं या उसका क्या नेचर है. तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसके पॉइंट्स को भी. अब तो पहली फीचर जो कंट्रोलिंग की है वो है गोल ओरिएंटेड. तो कंट्रोलिंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. कंट्रोलिंग का पूरा जो डायरेक्शन होता है वो किस तरफ होता है, कि किसी भी तरीके से बिजनेस के या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पॉसिबल मैनर में अचीव किया जाए. तो ये कैसा प्रोसेस हुआ, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस हुआ. ओके, तो फर्स्ट फीचर क्या हो गई, इट इज गोल ओरिएंटेड. सेकेंड वन,
pervasiveness or pervasive. Controlling is an essential function of every manager. Her function ko ye controlling ka work karna padta hai, ye process ko perform karna padta hai. And is exercised at every level of management. Aur ye jo pervasiveness kyun bolte hain hum isko, kyunki controlling ki zarurat keval ek level par nahi hoti. Top level par bhi hame control karna padta hai, middle level par bhi, aur even lower level par bhi controlling ki zarurat padti hai. Isiliye hum controlling ko kya bolte hain, ek pervasive function. Okay, थर्ड फीचर जो है हमारा इसका वो है कॉन्टिन्यूटी, या एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज नॉट एन एक्टिविटी टू बी परस्यूड इन अ एंड ओनली. यानी एक काम किया और ये काम खत्म हो गया, कि कंट्रोलिंग एक ऐसा काम नहीं है. इट इज टू बी डन ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस, ये कॉन्टिन्यूस होने वाला काम है. यानी आज आप कंट्रोलिंग कर रहे हैं किसी एक एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए, या किसी एक टारगेट को अचीव करने के लिए, नेक्स्ट टाइम हमें दूसरा टारगेट अचीव करना होगा. हमारे स्टैंडर्ड्स और टारगेट्स बढ़ते जाएंगे और उनको अचीव करने के लिए हमें बार बार कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ेगी. तो ये कैसा प्रोसेस हुआ, एक ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हुआ. हमारी जो नेक्स्ट फीचर जो है कंट्रोलिंग की, वो है कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक और लुकिंग बैकवर्ड. कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड इट्स कंपैरिजन विद द डिजायर्ड परफॉर्मेंस. हम क्यों बोलते हैं कंट्रोलिंग एक लुकिंग बैकवर्ड प्रोसेस है या लुकिंग बैक है, क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग के अंदर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपनी जो हमारी प्लान परफॉर्मेंस है उसके साथ कंपेयर करते हैं. तो प्लान परफॉर्मेंस कब की गई थी, पास्ट में. इसका मतलब हमें कंट्रोलिंग करने के लिए पास्ट परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा, या इवन पास्ट में जो हमने टारगेट सेट किए थे, पास्ट में जो हमने प्लानिंग की थी उसको जज करना पड़ेगा, उसके बेसिस पर हम कंपैरिजन करेंगे. इसलिए हम कंट्रोलिंग को क्या बोलते हैं, कि कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक एज इट इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स विद द प्लान परफॉर्मेंस. जो हमने पहले प्लान किया था उसके साथ हम कंपेयर करते हैं अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को. ओके, तो इसलिए हम इसको लुकिंग बैकवर्ड भी बोलते हैं. ओके, तो हमारा जो सेवेंथ फीचर है कंट्रोलिंग का, वो है एक्शन ओरिएंटेड. कंट्रोलिंग को हम एक्शन ओरिएंटेड भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं ऐसा? कंट्रोलिंग हैज नो मीनिंग इफ नो करेक्टिव एक्शन इज टेकन. कंट्रोलिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा यदि हम उसमें कोई करेक्टिव एक्शन ना ले जाए. जब भी हमारे सामने डेविएशन आती हैं, या हम प्लान और एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से जब कंपेयर करते हैं, तो डेविएशंस आती हैं हमारे सामने, और उन डेविएशंस को दूर करने के लिए हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं. यानी कंट्रोलिंग में करेक्टिव एक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. बिना करेक्टिव एक्शन के कंट्रोलिंग की कोई भी आइडेंटिटी नहीं रह जाती. सो टाइमली एक्शन शुड बी टेकन टू प्रिवेंट डेविएशन. इसका मतलब हमें डेविएशंस को रोकने के लिए, जो कि नेगेटिव डेविएशन बेसिकली होते हैं, उनको रोकने के लिए टाइम पर एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है. इसका मतलब कंट्रोलिंग में एक्चुअली एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है. दैट इज व्हाई कंट्रोलिंग इज रेफर्ड एज एक्शन ओरिएंटेड. और जो नेक्स्ट फीचर है हमारा कंट्रोलिंग का, वो है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. यानी इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से एक है, क्योंकि इसकी जरूरत हर लेवल पर और हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस में पड़ती है. प्राइमरी का मतलब यहाँ फर्स्ट फंक्शन से नहीं है, यहाँ पे बेसिक फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से है. इसको हम बेसिक भी बोल सकते हैं, कि बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ओके, तो इसको बेसिक फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत हर लेवल पर भी पड़ती है और हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में भी है. ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को ही कंट्रोल करना पड़ता है, इवन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है उनको भी कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है. ओके, और जो हमारी लास्ट फीचर है अब कंट्रोलिंग की, वो है ब्रिंग्स बैक मैनेजमेंट साइकिल बैक टू प्लानिंग. जैसे ही हम कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोलिंग खत्म कर लेते हैं, वैसे ही हम वापस से फर्स्ट फंक्शन की तरफ मूव कर जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग. यानी कि कंट्रोल शुड नॉट बी व्यूड एज दी लास्ट फंक्शन. हम हमेशा बोलते हैं कि कंट्रोल जो है वो लास्ट फंक्शन, नहीं, कंट्रोलिंग लास्ट एक्ट है, बट उसके बाद दोबारा से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, विच इज प्लानिंग. तो इसका मतलब इसका सीधा सीधा रिलेशन किसके साथ होता है, प्लानिंग के साथ होता है. क्योंकि कंट्रोलिंग खत्म करते ही हम वापस से कहां जाते हैं, प्लानिंग पे जाते हैं. दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग. ओके, क्या क्या फीचर्स हमने डिस्कस किए? फर्स्ट वन, ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. हम ये भी बोल सकते हैं एक डायनामिक प्रोसेस है. हम ये भी बोल सकते हैं कि ये फॉरवर्ड लुकिंग भी है, क्योंकि हम आगे के लिए कंट्रोलिंग करते हैं, क्योंकि वापस से प्लानिंग करना पड़ता है और इसकी जरूरत हर लेवल पे भी पड़ती है. फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शंस में से है, यानी जो बेसिक फंक्शंस है वो है, और ये कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है. इसके अलावा भी हमने कुछ और फीचर्स भी डिस्कस किए थे, वो भी आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे. अब मैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ हम मूव करते हैं, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग. ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में हम क्या बात करेंगे, किस तरीके से कंट्रोलिंग बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, या क्या उसका रोल है, बेसिकली हम ये जिसमें बात करने वाले हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है जो इसको हाईलाइट करता है, वो क्या है, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग
ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग की हेल्प से ही हम अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते हैं और ये चेक करते हैं कि प्लान से वो कितना वेरी कर रहा है या कितना डेविएशंस है। ओके, तो हमें करेक्टिव एक्शन लेने में भी ये हेल्प करती है। तो उसका मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग हमें हेल्प करती है बिजनेस के गोल्स को अचीव करने में। ओके, और सेकेंड पॉइंट इज फॉर इवेल्युएटिंग और जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है कंट्रोलिंग। अ गुड कंट्रोलिंग सिस्टम enables the management to verify whether the standards set are accurate or not by careful check on the changes taking place in the organizational environment। यानी controlling के through ही हम ये judge कर पाते हैं कि जो हमने standard actually set किए थे क्या वो सही set किए थे कि नहीं, accurately set थे। जैसे कई बार क्या होता है, जो हमने standard set कर रहे होते हैं तो हम अपने जो स्टैंडर्ड होते हैं वो काफ़ी अप कर देते हैं जितना एक्चुअली में नहीं होना चाहिए। सपोज वी हैव मेक अ स्टैंडर्ड टू प्रोड्यूस 500 यूनिट्स ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी और पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ क्वार्टर। हमने एक क्वार्टर के अंदर ये सेट किया हमारा स्टैंडर्ड कि हम इस क्वार्टर में इस 3 मंथ्स के अंदर अपने कुछ मान लीजिए 500 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे। और मान लीजिए हम फोर व्हीलर में डील करते थे, फोर व्हीलर या कार्स में डील करते हैं, तो कई बार क्या होता है हम बिगिनिंग स्टेज पे होते हैं तो हमारे लिए इतना अप स्टैंडर्ड, इतना बड़ा स्टैंडर्ड सेट करना बहुत ही रिस्की होता है। हम उसको शायद अचीव ना कर पाए विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज वी हैव। तो उस समय पर हमें कंट्रोलिंग हेल्प करती है। जब हम एक्चुअली में मेजर करते हैं अपने परफॉर्मेंस को तो हम ये जान पाते हैं कि हमने शायद अपने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो एक्यूरेट नहीं थे। ओके, तो इसका मतलब कंट्रोलिंग से हमें क्या पता लगा कि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं है, और उसके बेसिस पर हम उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। ओके, तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम सीधा, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। बाय द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल अ मैनेजर सीक्स टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि कंट्रोलिंग में हम डेविएशंस चेक करते थे, आपको मालूम है, और डेविएशंस के बाद हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। यानी हमें पता लगाना होता है कि कमियां क्या रह गई हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए हम डिफरेंट मेजर्स लेते हैं। दैट इज व्हाट इज एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑल अबाउट। यानी हम रिसोर्सेज को यहाँ पर ऑप्टिमम तरीके से यूज करना सीखते हैं और उसकी वेस्टेज को कम से कम करते हैं और मिनिमाइज करते हुए चले जाते हैं, जिससे कि हम बिजनेस के गोल्स को बहुत ही एफिशिएंटली अचीव कर पाए। ठीक है, तो इसका मतलब कंट्रोलिंग हमें हेल्प करती है किसमें, अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से यूज करने में। मैं नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंस पे आता हूँ पॉइंट पर, जो कि क्या है, इम्प्रूव्स एम्प्लॉइज मोटिवेशन। अ गुड कंट्रोल सिस्टम ensures that employees know well in advance what they are expected to do and also the standard of performance, if thus motivates and helps them to give better performance। इसका मतलब एक good controlling system employees को पहले से advance में ये बता देता है कि उससे क्या expect किया जाता है और उसका standard performance का standard क्या होना चाहिए, जिससे उसे internally motivation मिलता है, वो अपनी performance को enhance करता है, better up करता है, improve करता है, जिससे कि वो जो standard set हुए थे उसके लिए performance के लिए उसको वो achieve कर पाए। तो कहीं ना कहीं उसे motivation मिलता है और उसकी motivation improve भी होती है। तो ये किस पे पॉइंट्स हैं हमारे, अभी तक हमने 4 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं इंपॉर्टेंस में। नेक्स्ट पॉइंट इज फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। यानी ये जो कंट्रोलिंग फंक्शन है हमें कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है। इन कंट्रोलिंग ईच डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय इज गवर्न्ड बाय प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड विच आर वेल कोऑर्डिनेटेड विद वन अनदर। कंट्रोल प्रोवाइड्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यानी हमें मालूम है कि कंट्रोलिंग में हमें क्या करना होता है कि हमें पता है कि हमारे पास जितने भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास कुछ अपने बेसिक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स हैं, उनको स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं पहले से ही। अब कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, उन कंट्रोलिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, या कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग दोनों मिलके उन सभी प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड को यूनिफाई करते हैं और कंट्रोल उसको एक ही डायरेक्शन में काम करने के लिए मोटिवेट करता है। यानी एक डायरेक्शन देता है, यूनिफाई करता है उनके एक्शन को। तो कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन करने में भी कंट्रोलिंग। अब मैं लास्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहा हूँ इंपॉर्टेंस में, वो क्या है, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज। यानी कंट्रोल करने से हम जो भी इररेगुलरिटीज हो रही हैं, रूल्स रेगुलेशंस को हम देखते हैं कि अच्छे से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, डिसिप्लिन जो है वो अच्छे से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, सभी को जो ऑर्डरली काम वर्क दिया गया था वो उस तरीके से हो रहा है, एटमॉस्फेयर कैसा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, इन सभी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल अच्छे से सुपरवाइज किया, क्रॉस चेक किया जाता है, इसको बोलते हैं क्लोज चेक होता है अन्य एक्टिविटीज़ पे। ये किसके थ्रू हो पाता है इजीली, ये कंट्रोलिंग के थ्रू हो पाता है। यानी कंट्रोलिंग हमें हेल्प करती है ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन करने में भी। तो ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस करे, किसके बेस थे ये सारे के सारे पॉइंट्स, ये पॉइंट्स बेस थे इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पर। ओके,
ओके, तो हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. हम इसमें क्या बताते हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या रिलेटेड हैं. ओके, तो हम इसमें इन्हीं पॉइंट्स पर स्ट्रेस देंगे कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं. कैसे? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट. ऐसे ट्विन्स हैं जो मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं. बिना प्लानिंग के कंट्रोलिंग कुछ नहीं हो सकती और कंट्रोलिंग के बगैर प्लानिंग नहीं हो पाएगी. तभी तो हमने बोला था कि कंट्रोलिंग के बाद इमीडिएटली हम प्लानिंग की तरफ मूव करते हैं. ओके, और प्लानिंग का पर्पस जो सॉल्व होता है वो कंट्रोलिंग के साथ होता है, क्योंकि प्लानिंग में हमने ऑब्जेक्टिव या टारगेट सेट किया और कंट्रोलिंग में जाके चेक किया वेदर दी प्लान परफॉर्मेंस इज अकॉर्डिंग टू दी एक्चुअल परफॉर्मेंस और नॉट. एक्चुअल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है या नहीं. ओके, इसलिए हम बोलते हैं ये इनसेपरेबल ट्विन्स हैं. सेकंड वन, बोथ आर क्लोज रिलेटेड टू ईच अदर. दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत ही रिलेशन है, जैसे कि पहले ही बात कर चुके हैं हम इस बारे में. कंट्रोलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ प्लान्ड एक्शन एंड प्लानिंग इज बेस्ड ऑन कंट्रोलिंग फंक्शन. कंट्रोलिंग किस पे बेस होती है? प्लान्ड एक्शन के ऊपर बेस होती है. और प्लानिंग इज बेस्ड ऑन कंट्रोलिंग, क्योंकि हमें पता है कि कंट्रोलिंग के बाद इमीडिएट बाद हम प्लानिंग करते हैं और उन सभी डेविएशंस को ध्यान में रख के प्लानिंग की जाती है. ओके, क्योंकि प्लान्स बेस्ड होते हैं किस पर? पास्ट इवेंट्स पर. जो हमने पास्ट में मिस्टेक्स किए हैं उन्हें ओवरकम करने के, उन्हें दूर करने के लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं. इसका मतलब दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. नेक्स्ट वन इज प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग ईजियर. प्लानिंग की हेल्प से ही कंट्रोलिंग करना आसान हो जाता है. इन इफेक्टिव बाय प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंपैरिजन विद एक्चुअल परफॉर्मेंस. क्योंकि प्लानिंग में ही हमने स्टैंडर्ड्स दे दिए और स्टैंडर्ड्स दिए तभी तो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को बाद में स्टैंडर्ड से कंपेयर कर पाते हैं. यानी प्लानिंग ईजी कर देती है किसी तरीके से कंट्रोलिंग को. ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है कंट्रोलिंग इंप्रूव्स फ्यूचर प्लानिंग. क्योंकि कंट्रोलिंग में हमें डेविएशंस का पता लग गया, हमें अपनी कमियों का पता लगा कि हमने जो प्लान किया था उसको जब एग्जीक्यूट किया तो क्या क्या हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिली, जिससे कि फ्यूचर में जैसे ही हम कंट्रोलिंग के बाद दोबारा से प्लानिंग करेंगे तो हम उन बातों को उन पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम नए प्लान जो बनाएंगे वो और अच्छे मैनर में बनाएंगे. ओके, जिससे कि डेविएशंस आए ही ना. तो कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं इंप्रूव करती है हमारी फ्यूचर की प्लानिंग को. जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसी को हम आगे थोड़ा और कंटिन्यू कर सकते हैं, वो क्या है? कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग. कंट्रोलिंग बिल्कुल ब्लाइंड है. यदि मान लीजिए आपने प्लानिंग करी ही नहीं है तो कंट्रोलिंग का मतलब ही नहीं बनता. यानी आपने कोई चीज़ प्लान नहीं करी, आप उसे कंट्रोल करने की सोच रहे हैं, वो तो एक जैसे बोला जाएगा कि एक ब्लाइंड हो गया. ओके, सेकेंड वन, इसके जस्ट बाद नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है वो है प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस और यूजलेस. सिमिलरली जैसे मैंने बोला कंट्रोलिंग ब्लाइंड है, वैसे ही प्लानिंग भी बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाती है, यूजलेस हो जाती है विदाउट कंट्रोलिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस वेयर कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएशन प्रोसेस. प्लानिंग में मेंटल एक्सरसाइज होती है, थिंकिंग एक्सरसाइज होती है. हम थिंकिंग थॉट प्रोसेस को लेते हैं जबकि कंट्रोलिंग में इवैल्यूएशन लेते हैं. हम चेक करते हैं कि एक्चुअल में जो हमने सोचा था वैसा काम हुआ या नहीं हुआ. दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशन है. तो हमसे पूछा है क्या रिलेशन है, तो बोलेंगे कंट्रोलिंग एक इवैल्यूएटरी फंक्शन है जबकि प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, यह मेंटल प्रोसेस है. लास्ट पॉइंट जो हमारा रिलेशनशिप का वो है बोथ आर बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन. बोथ बैकवर्ड कैसे है? क्योंकि जब हम कंट्रोलिंग पे आते हैं तो हम उससे पास्ट यानी जो हमने प्लानिंग में परफॉर्मेंस जो सेट की थी, स्टैंडर्ड सेट किया था, उससे कंपेयर करते हैं. सिमिलरली जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि जो हमने कंट्रोलिंग लास्ट में किया था उसके बेसिस पर जो हमारे रिजल्ट्स आए थे उनको ध्यान में रख के प्लानिंग करते हैं. तो ये एक बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है. इसलिए हम दोनों को ही प्लानिंग को ही फॉरवर्ड लुकिंग भी और बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन भी बोलते हैं. तो दीज आर दी पॉइंट्स विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. इस तरीके से दोनों में हमने रिलेशनशिप को शो किया. ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं. इसमें नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोलिंग प्रोसेस. कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या होता है? ऑलरेडी हमने कंट्रोलिंग के मीनिंग में ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फिर भी एक बार वापस से बात कर लेते हैं. तो जो पहला स्टेप होता है हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस का वो होता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड को सेट करना. सेकेंड वन, हम सेकेंड जो स्टेप है उसमें क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस की. हम अब चेक क्या करते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उस हिसाब से हमारे परफॉर्मेंस वैसी आई या नहीं आई, मेजरमेंट करते हैं. और थर्ड स्टेप में कंपेयर करते हैं अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपनी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से. और फोर्थ स्टेप होता है हमारा ये पता लगाना कि क्या कोई डेविएशंस आई हैं और उन डेविएशंस को एनालाइज करते हैं. और हमारा जो लास्ट स्टेप होता है कंट्रोलिंग का वो होता है करेक्टिव एक्शन लेना, यानी टेकिंग करेक्टिव एक्शन. यानी अब हमने जो कमियां देखी थी डेविएशंस की उनको दूर करने के लिए हम मेजर्स लेते हैं. तो दीज आर दी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोलिंग प्रोसेस.
इसी को हम एक बार डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं. जैसे मान लीजिए वी हैव एस्टैब्लिश्ड अ स्टैंडर्ड ऑफ 100%. हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई हम 100 यूनिट सपोज प्रोड्यूस करेंगे. बट सेकेंड स्टेप में जब हमने मेजरमेंट किया अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस का, वी गेट टू नो कि वी हैव प्रोड्यूस ओनली 80 यूनिट्स. हमने केवल 80 यूनिट ही प्रोड्यूस की. तो थर्ड स्टेप में हमने कंपेयर किया कि कितना डेविएशन आया. तो आपने देखा कि जब हम 100 को 80 से कंपेयर कर रहे थे तो हमारे पास नेगेटिव डेविएशन आया, जो कि कितना था, टू द एक्सटेंट ऑफ 20, यानी -20 का डेविएशन है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है. अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा करेक्टिव एक्शन, हम उस तरीके से प्लानिंग करेंगे जिससे कि हमारे जो एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड थे, जो कि हमने 100 सोचा था, और हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी उसको हम मैच कर पाएं. यानी करेक्टिव एक्शन इस तरीके से होने चाहिए जिससे कि हमारे स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस एक दूसरे के साथ मैच हो जाएं, यानी उनमें डेविएशन ना रहे. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इज डू इन कंट्रोलिंग प्रोसेस. अब वन बाय वन हमको इसको स्टडी कर लेते हैं एक बार और. ओके, तो हमारा जो पहला स्टेप था वो क्या था, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. तो डिस्कस कर लेते हैं इसको हम. द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. यानी हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, ये पहला स्टेप है हमारा. अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये स्टैंडर्ड क्या होते हैं. स्टैंडर्ड्स आर दोज क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड. स्टैंडर्ड वो क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेसिस पर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने वाले हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने एक वर्कर के लिए स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई एक दिन के अंदर ये 4 यूनिट्स ऑफ चेयर बनाएगा, 4 पीसेस बनाएगा, 4 यूनिट बनाएगा एक पर्टिकुलर चेयर की, यानी 4 क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा या मैन्युफैक्चर करेगा. ये हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया. ओके, जिससे कि हम जब फ्यूचर में एक्चुअल में परफॉर्मेंस को मेजर करें तो हम इजीली चेक कर पाएं कि भैया 4 बनी कि नहीं बनी आपकी. तो ये एक क्राइटेरिया हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए. अ मैनेजर इवैल्यूएट द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ दी स्टैंडर्ड्स एंड फाइंड आउट द डेविएशन. अब मैनेजर का काम क्या होता है, बाद में इवैल्यूएट करना. वो कैसे इवैल्यूएट करेगा, उन्हीं स्टैंडर्ड की बेसिस पर जो उसने सेट किए. यानी यहाँ पर जो स्टैंडर्ड सेट किए, जब उसे मैनेजर इवैल्यूएट करने की सोचेगा तो वो उसी बेसिस पर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करेगा, यानी इवैल्यूएट करेगा. तो ये हमारा चल रहा था फर्स्ट स्टेप, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं. जैसे हम बात करा कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इट इज़ द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कम्पेयर्ड. यानी अब स्टैंडर्ड तो पता लग गया होते कैसे हैं, अब ये किस नेचर के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं. स्टैंडर्ड को भी हमने बेसिकली दो टाइप्स में डिफाइन कर दिया. पहला है क्वांटिटेटिव, सेकेंड वन इज़ क्वालिटेटिव. अब ये क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड कौन से होते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड जो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी मेज, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हम जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको जैसे बोलूँ मैं कॉस्ट के फॉर्म में, रेवेन्यू के आइटम्स के टाइम में, टाइम्स के फॉर्म में, यूनिट्स के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो ऐसे सभी स्टैंडर्ड्स को हम क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स बोलते हैं. जबकि कोई ऐसा स्टैंडर्ड है जिसको क्वांटिटी में मेजर नहीं किया जा सकता, तो ऐसे स्टैंडर्ड्स को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव. जिसके एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉयज में कैसा डिसिप्लिन है, उनका बिहेवियर कैसा है, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा है. दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स. ओके, ज़्यादातर मैनेजर्स का जो रोल होता है वो इस बात पे स्ट्रेस देते हैं वो कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कौन से स्टैंडर्ड सेट करें, क्वांटिटेटिव, क्योंकि उसको इजीली इवैल्यूएट किया जा सकता है फ्यूचर में. जब मैनेजर को एक्चुअली में कंपेयर करना होगा परफॉर्मेंस को, तो उसके लिए बेटर तरीका क्या होता है कि वो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किए हों, क्योंकि वो कंपेरिजन में ईजी होते हैं, कंपेयर करना उसमें आसान हो जाता है. अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ चलते हैं इसके कंट्रोलिंग प्रोसेस के. सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस. अब हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिए, पहले स्टेप में हमने सेट कर दिया कि भैया एक कंपनी को इस पूरे क्वार्टर के अंदर 20 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं. मान लीजिए 20 कारें बनानी है, ये उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर लिया फर्स्ट स्टेप में. अब हम बात कर रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस की. वंस परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आर सेट, यानी हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, द नेक्स्ट स्टेप इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. हम अगले स्टेप में ही क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को अब एक्चुअली मेजर करने वाले हैं. परफॉर्मेंस शुड बी मेजर इन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर. परफॉर्मेंस को मेजर करने का तरीका हमारा ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए और वो रिलायबल भी होना चाहिए. ये ना हो कि उसमें भी कुछ कन्फ्यूजन हो, वो एक्यूरेट ना हो. ओके, तो ऑब्जेक्टिव भी हो और वो रिलायबल भी हो. इसके लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं. जैसे सिंपल चेकिंग कर सकते हैं, जिसको हम सैंपल जाके देखें उस हिसाब से प्रोडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ वो देख लेंगे, या ऑब्जर्वेशन करके देख लेंगे, या रिपोर्ट मंगवा लेंगे, या रेशियो अप्लाई कर देंगे, अकाउंटिंग रेशियो को यूज़ कर लेंगे. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस. इस बेसिस पर हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं. ओके, तो हमने फर्स्ट स्टेप में स्टैंडर्ड सेट किया, सेकेंड में अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया. अब हम थर्ड स्टेप की तरफ मूव करते हैं. थर्ड स्टेप क्या है हमारा, कंपेयरिंग रिजल्ट्स विद ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड्स. यानी हमने जो
थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, जो हमने एक्चुअल में स्टैंडर्ड सेट किए थे और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, अब उसको कंपेयर करने वाले हैं. कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान टारगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि डेविएशन हमें इसमें निकालते हैं. तो डेविएशंस क्या होती हैं? डेविएशंस कैन बी डिफाइंड एज द गैप बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द प्लान टारगेट्स. आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस करी, आपने बोला भाई हमारा जो टारगेट था सपोज वो 10 कार्स को बनाने का था, या 10 कारें बनाने का था, या 10 चेयर बनाने का था सपोज. बट एक्चुअली में जो परफॉर्मेंस हमने जज करी, बाद में परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया तो पता लगा भाई हम तो केवल 6 आइटम ही प्रोड्यूस कर पाए, 10 सोचा था 6 ही प्रोड्यूस हो पाया. तो डेविएशन हमें दिख रहा है साफ साफ यहाँ पर. तो अगले इसी में हमें क्या करना पड़ेगा, द मैनेजर हैज टू फाइंड आउट द टू थिंग्स. क्या क्या उसे फाइंड आउट करना पड़ेगा? एक्सटेंट ऑफ डेविएशन, कितना डेविएशन आया, एंड कॉज ऑफ डेविएशन, उस डेविएशन का क्या कारण था. तो मैनेजर के लिए एक टास्क बढ़ गए, वो दो टास्क क्या है उसको पता लगाना, पहला कि डेविएशन कितना है, सेकेंडली द कॉज ऑफ डेविएशन, उस डेविएशन के पीछे क्या कारण है. तो ये वो चीजें किसमें करने वाले हैं, कंपैरिजन से हमें हेल्प मिल जाएगी. इसी को हम एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं. मान लीजिए स्टेशनरी के कुछ चार्जेस थे, वो पहले रुपी 5% से बढ़ के अब 10% बढ़ गए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई एक ये माइनर डेविएशन है. अब आप बोलेंगे ये माइनर कैसे, क्योंकि हमें पता है कि स्टेशनरी का खर्चा बार बार नहीं होता किसी ऑर्गेनाइजेशन में. जबकि एक दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, ऑन द अदर हैंड इफ मंथली प्रोडक्शन डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली, आपकी जो मंथ की प्रोडक्शन थी वो घटती जा रही है, तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू है, इसको बोलते हैं मेजर डेविएशन. तो हमें ध्यान रखना होता है मैनेजर को कि कौन सा डेविएशन माइनर डेविएशन है और कौन सा डेविएशन मेजर डेविएशन है. ओके, इसी को हम और आगे कंटिन्यू करते हैं. आगे वंस द डेविएशन इज आइडेंटिफाई, यदि मैनेजर ने ये पता लगा लिया भाई कि क्या डेविएशन है, अब मैनेजर हैज टू थिंक अबाउट वेरियस कॉज. उसे पता लगाना पड़ता है कि क्या रीजंस थे इस डेविएशन के, कॉज क्या हो सकते हैं, हमारी प्लानिंग खराब हो गई हो, कोऑर्डिनेशन में कुछ लूप होल्स हो, प्लान्स को अच्छे से इफेक्टिवली हमने इंप्लीमेंट ना करा हो, या डिफेक्टिव प्लानिंग हो चुकी हो, या कुल मिलाकर या सुपरविजन में या कम्युनिकेशन में हमने कुछ गलतियां करी हो. तो दीज आर सम ऑफ दी बोल सकते हैं रीजंस बिहाइंड डेविएशंस, जो रीजंस हमारे डेविएशंस के हो सकते थे, हमने कुछ रीजन डिस्कस कर लिए. तो यानी दोनों काम हमें ध्यान रखने हैं इसमें जब हम क्या करते हैं कंपैरिजन, पहला एक्सटेंट ऑफ डेविएशन एंड थर्ड नेक्स्ट सेकंड वन इज कॉज ऑफ डेविएशन. ओके, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहा हूँ. नेक्स्ट स्टेप इज एनालाइजिंग डेविएशंस. अब इस स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, आपने पता लगा लिया भाई डेविएशंस कितनी हैं और उसके ये रीजंस थे. नेक्स्ट इज ऑल डेविएशन नीड टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ टॉप मैनेजमेंट. आपको ध्यान रखना है कि नीड नॉट टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ टॉप मैनेजमेंट. हर डेविएशन को आप बताने नहीं चले जाएंगे टॉप मैनेजमेंट को, यानी मैनेजर ने पता तो लगा लिया कि सर ये कमी आई है, हमारे रिजल्ट्स जो आए हैं वो इस तरीके से डेविएट कर रहे हैं. अब यदि वो सारी कमियों को लेके पहुंच जाएंगे टॉप मैनेजमेंट के पास, तो टॉप मैनेजमेंट के लिए तो एक बहुत ही अलग सी सिचुएशन आ जाएगी, वो हर सिचुएशन को तो हैंडल नहीं कर पाएंगे. तो हमें क्या करना चाहिए वहां पर, देन अ रेंज ऑफ डेविएशन शुड बी एस्टैब्लिश्ड एंड ओनली केसेस बियॉन्ड दिस रेंज शुड बी ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट. यानी आपको एक रेंज डिसाइड करनी पड़ेगी कि भैया इतनी डेविएशन आई है तो इसको तो हम ओवरलुक यानी छोड़ सकते हैं, ये तो माइनर सी डेविएशन है, इतनी तो हैपन हो सकती थी. बट आपने देखा कि भाई एक रेंज जो आपने सेट की है माइनर के लिए, यदि आपकी डेविएशन उसको क्रॉस कर चुकी है और उसको क्रॉस करने के बाद डेविएशन काफी ज्यादा हो चुकी है. सपोज आपने प्लान किया था भैया इतनी 20 प्रोडक्शन करेंगे और आपकी प्रोडक्शन 19 हुई, तो 1 यूनिट आपने लैक कर दिया, तो ये एक माइनर डेविएशन की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं. वेयर एज यदि यही डेविएशन मान लो 50 यूनिट्स पर होती तो इसका मतलब डेविएशन काफी ज्यादा है, तो ये आपके मेजर डेविएशन की कैटेगरी में आया. तो इसका मतलब आपको दोनों को समझना पड़ेगा कि डेविएशन को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मेजर एंड माइनर. कौन सी कैटेगरी में? मेजर एंड माइनर. सम डेविएशंस आर एक्सप्लेन इन ऑल कैटेगरीज, इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन. हमें पता लगाना पड़ेगा कितनी एक्सेप्ट कर सकते हैं डेविएशन, कितनी नहीं, तो हम रेंज डिसाइड कर लेते हैं. ऑल्सो डेविएशन इन की एरियाज ऑफ बिजनेस नीड टू बी अटेंडेड. आपको लगता है कोई ऐसी डेविएशन आई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि उसके बगैर आपके बिजनेस में इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती है, ग्रोथ नहीं कर सकती है, तो आपको सबसे पहले उसी डेविएशन को अटेंड करना होगा, उसको दूर करना होगा, उसके लिए मेजर्स लेंगे आप, तो उस पर आपने ज़्यादा स्ट्रेस देना है. ठीक है, इन दिस स्टेप द कॉज ऑफ डेविएशन इन द एक्चुअल परफॉर्मेंस आर एनालाइज. इस स्टेप में आप अब किसका यूज करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आपके सामने जो डेविएशंस हैं उसको आप एनालाइज करें या ना करें. और इसके लिए हम दो इंपॉर्टेंट टूल को यूज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल. क्या क्या टूल्स हैं हमारे पास, वो पहले टूल का नाम है हमारे पास
क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड सेकेंड वन इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. अब इसी दो टेक्निक के बारे में हम आगे बात करेंगे. दो टेक्निक क्या है एनालिसिस करने की, वो क्या है? फर्स्ट वन इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, सेकेंड वन इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. ओके, तो हम पहले बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जिसको हम शॉर्टकट में सीपीसी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सीपीसी. इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. इट मींस कीपिंग फोकस ऑन सम की एरियाज. जो सीपीसी क्या कहता है कि हमें ध्यान रखना होता है जब भी डेविएशंस आए, या आपको बिजनेस में हर चीज को कंट्रोल करना मुश्किल है, तो आप की एरियाज सेलेक्ट कर लीजिए. सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको हम सिग्निफिकेंट या ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, उन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, उनको हम जल्दी अटेंड करेंगे, उनमें आने वाली कमियों को हम जल्दी अटेंड करके जल्दी से उसके लिए मेजर्स लेंगे. ओके, तो की एरियाज आर दोज एरिया विच हैव इंपैक्ट ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे एरिया जिसका इफेक्ट बिजनेस पे बहुत अच्छे से पड़ता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं वो, तो ऐसे एरियाज पे हमें ज्यादा स्ट्रेस या ज्यादा फोकस करने की जरूरत पड़ती है. इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. इसका एग्जाम्पल लेते हैं. इफ देर इज एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट बाय रुपी 5 पर यूनिट. मान लीजिए आपका जो बिजनेस है वो किसी एक पेन, मान लो पेन मैन्युफैक्चर करता है, और उनके पेन की जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो 5 rupees पर यूनिट इंक्रीज हो गई है. ओके, एक हमारे सामने डेविएशन ये आया कि 5 rupees से आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज कर गई है. दूसरा, एंड देर इज एन इंक्रीज इन पोस्टल कॉस्ट बाय 50 rupees. और दूसरा, आपने डेविएशन चेक करा कि 20 rupees आपके पोस्टल चार्जेस भी बढ़ गए हैं. तो आपको इनमें से किस पे फोकस ज्यादा करना चाहिए? तो आपको देखना पड़ेगा इसमें से की एरियाज कौन से हैं. हमें मालूम है जो पोस्टल चार्जेस होते हैं वो इस तरीके के चार्जेस हैं जो वंस इन ए वाइल होने वाले हैं. बहुत कम होते हैं पोस्टल चार्जेस खर्च. बहुत कभी कभी हमें सामान कहीं से कुछ मंगाना या भेजना, तब हमें पोस्टल पे खर्च करना पड़ेगा. अदरवाइज देयर इज नो नीड टू स्पेंड ऑन पोस्टल कॉस्ट. जबकि प्रोडक्शन का जो खर्चा है वो आपके लिए वेरिएबल खर्चा, जो आपको बार बार करना पड़ेगा, ये कॉन्टिन्यूस एक्सपेंस है. यानी इसकी वजह से आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, जिसका इफेक्ट कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट के मार्जिन पर भी पड़ने ही वाला है. तो इसका मतलब आपको ज़्यादा स्ट्रेस किस पे देना पड़ेगा? आप स्ट्रेस देंगे कंट्रोल करने पर किसको, कि जल्दी से मुझे अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को डिक्रीज करना है, अदरवाइज मेरा मार्जिन मनी यानी प्रॉफिट कम हो सकता है. इसका मतलब आपके लिए सीपीसी पॉइंट यहाँ पर क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट. तो आप ज़्यादा फोकस किस पे करने वाले हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर. ओके, आगे भी हम इसी के बारे में बात करते हैं एक बार और. प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, ये क्या कहता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल? इफेक्टिव कंट्रोल रिक्वायर्स अटेंशन टू फैक्टर्स क्रिटिकल टू इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्लान. यानी इफेक्टिव कंट्रोल हम कब बोलते हैं? कि जब आप उन फैक्टर्स को ज़्यादा फोकस करें जो आपके परफॉर्मेंस को ज़्यादा अफेक्ट करने वाले हैं. आपकी परफॉर्मेंस जिस पॉइंट्स पर, जिन फैक्टर्स पर ज़्यादा डिपेंड करती है, आप उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करिए. ओके, नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड्स आर यार्डस्टिक्स अगेंस्ट विच एक्चुअल और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस इज मेजर्ड. और स्टैंडर्ड भी हमें उसी तरीके से सेट करने चाहिए, उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स कंट्रोल को ध्यान में रख के ही सेट करने चाहिए, जिससे कि हमें फ्यूचर में ये परेशानी ना हो, ये जजमेंट करने में मुश्किल ना आए कि भैया हम इन डेविएशंस को ओवरलुक करें या इन पर ध्यान दें. तो स्टैंडर्ड ध्यान सेट करते समय भी हम उन की एरियाज को माइंड में रखेंगे. ओके, थर्ड वन इज मैनेजर चूज. मैनेजर का काम क्या होता है? चूज पॉइंट्स फॉर स्पेशल अटेंशन, वॉच प्रोसीडिंग्स एज प्लान्ड. मैनेजर का काम होता है कि वो अपने उन पॉइंट्स को पहले से ही चूज कर ले, फोकस कर ले जिस पर उसे ज्यादा ध्यान देना है, और उसी पर आगे प्लान करता हुआ चला जाए. अदरवाइज यदि वो की एरियाज को छोड़ देगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो एबिलिटी होगी वो आगे जाके फेलियर की तरफ जाने वाली है, वो सभी चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग टेक्निक है हमारी. इसको हम किस नाम से बुलाते हैं? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. अब मैं सेकेंड टेक्निक की तरफ चल रहा हूँ, जो कि क्या है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. ओके, तो ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन जो टेक्निक है, ये क्या कहती है हमें? इट मीन्स द मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग. यानी एक मैनेजर ऐसा है जो सोचता है कि मैं हर चीज़ को कंट्रोल कर लूँगा. यदि वो ऐसा सोचेगा तो वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा और सभी कुछ मैसअप हो जाएगा. इसका मतलब यदि वो सब चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा अगेन किस पर? इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज पर. यहीं पर हम उसी के बारे में बात करेंगे. द डेविएशंस विच आर बियॉन्ड दी स्पेसिफिक रेंज शुड ओनली बी हैंडल बाय मैनेजर. यानी आपको, आप जब डेविएशंस बना रहे होंगे तो आपको एक अपनी रेंज डिसाइड करनी पड़ेगी, जिसको हम एक्सेप्टेबल रेंज बोलते हैं. यानी उस रेंज तक तो हमें अपने टॉप मैनेजमेंट को उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही अपने लेवल पर उसको हैंडल कर सकते हैं और उसको अच्छे से उसके लिए मेजर्स ले सकते हैं. यदि उस रेंज के बियॉन्ड यदि डेविएशंस चली जाएं, तो वो हम हैंडल करवाएंगे किसके साथ? अपने टॉप लेवल के साथ हैं, बात भी करेंगे और उनको बोलेंगे उसके लिए मेजर्स लीजिए, उनकी हेल्प लेंगे.
The deviations which are beyond the specific range should only be handled by managers and minor deviation can be ignored. और हम minor deviations को चाहें तो ignore भी कर सकते हैं. यानी major पर हमें ज़्यादा focus करना पड़ेगा और minor को चाहें तो ignore भी कर सकते हैं. Okay? क्यों ऐसा करते हैं? Manager should not waste his time and energy in finding solutions for minor deviations. माइनर डेविएशंस को यदि वो सॉल्यूशन निकालने में लग जाएंगे, जैसे एग्जांपल के लिए अभी हमने बात की पोस्टल चार्जेस की, भाई अब 20 रुपीज़ का खर्चा बढ़ गया वहाँ पर, तो वो तो आपके कंट्रोल में ही नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट सेट करती है उसके पोस्टल चार्जेस, जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं. वेयर एज द प्रोडक्शन कॉस्ट इज कंसर्न, यहाँ पर मैनेजर एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकता है. तो वहाँ पर उसे अपना पूरा एबिलिटी को यूज़ करना पड़ेगा और अपनी एबिलिटी को, स्किल्स को यूज़ करके अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करना पड़ेगा. तो यहाँ पर उसके लिए एक चैलेंजिंग वर्क है. तो वो अपना टाइम ऐसे एक्टिविटीज़ में ना लगाए जो माइनर डेविएशंस की तरफ है, और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किसकी तरफ करे, जहाँ पर डेविएशंस काफ़ी हाई डिग्री की हैं और उनको डेविएशंस को दूर करना ही उसका मेजर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और वो इसी पर कॉन्सेंट्रेट करे. इसी को हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव. इसी के बारे में हम थोड़ा और बात कर लेते हैं. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं. अब ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन था हमारा, इसी के बारे में आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या है? इट इज़ अ पॉलिसी बाय विच मैनेजमेंट डिवोट्स इट्स टाइम टू इन्वेस्टिगेटिंग ओनली दीज सिचुएशन इन विच एक्चुअल रिजल्ट्स डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द प्लान्ड रिजल्ट्स. यानी आप इसमें क्या बात करने वाले हैं? ये पहली बात, ये थियोरी किसने दी थी? ये कॉन्सेप्ट जो दिया था ये फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने दिया था. उसने क्या बोला? उनकी पॉलिसी ये थी कि भाई एक मैनेजर को अब इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर उस सिचुएशन को ज़्यादा सिग्निफिकेंटली हैंडल करना चाहिए जहाँ पर उसको दिख रहा है कि सिग्निफिकेंट डेविएशंस आए हैं, यानी डेविएशंस काफ़ी हाई डिग्री में है. उन एरियाज पर वो ज़्यादा फोकस करे, ज़्यादा टाइम डिवोट करे, और माइनर डेविएशंस जहाँ पर आए उनको थोड़ा सा चाहे तो इग्नोर भी कर सकता है. ओके, अटेंशन एंड प्रियोरिटी इज गिवन ओनली टू मटेरियल, यानी सिग्निफिकेंट डेविएशंस को दिए जाएं, रिक्वायरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड करेक्शन. इट इज़ अ पार्ट ऑफ मोटिवेशनल एंड कंट्रोलिंग टेक्निक. इसी को हम क्या बोलते हैं? मोटिवेशनल और कंट्रोलिंग टेक्निक का पार्ट भी मानते हैं. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट मैनेजमेंट्स फोकस ऑन रियली इंपॉर्टेंट टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक टास्क. इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि मैनेजमेंट का ध्यान पहले से ही केवल अपने इंपॉर्टेंट टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक टास्क पर ही होना चाहिए. वो अपने अनइम्पॉर्टेंट या जो ज़्यादा लो डिग्री के हमारे इंपॉर्टेंट टास्क हैं उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, जिससे कि उनका टाइम वहाँ किल ना हो जाए और वो इंपॉर्टेंट जो टास्क है उसको ओवरलुक ही ना कर दें. ओके, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में हमने किस पर ध्यान देना है? जो सिग्निफिकेंट डेविएशंस हैं, जैसे सिग्निफिकेंट जो हमारे लिए इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, सिचुएशंस होनी चाहिए, उस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए मैनेजर को. तो ये पूरा स्ट्रेस जो होना चाहिए किस पे होना चाहिए? जो हमारे लिए हाई डिग्री के फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, डेविएशंस आ रही हैं, उसको हमें फोकस में रखना चाहिए, जबकि हम माइनर डेविएशंस को चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं. तो कंट्रोलिंग की हमने दो टेक्निक के बारे में डिस्कस करा. क्या क्या थी वो? एक तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और सेकेंड वन इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. अब यदि हम बेनिफिट्स की बात करें मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की, तो क्या क्या फ़ायदे हैं? यदि हम केवल मेजर इश्यूज को ही हैंडल करेंगे और उसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो क्या होने वाला है उससे? सबसे पहला, इट सेव्स टाइम, उससे हमारा समय बचने वाला है. सेकंड वन, कॉन्सेंट्रेट्स ऑन एग्जीक्यूटिव एफर्ट्स ऑन मेजर प्रॉब्लम. यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे वो, ज़्यादा से ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम पर वो अपना टाइम देंगे और जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी हमारी. थर्ड वन, बेटर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. यहाँ पर डेलीगेशन का भी वो यूज़ कर सकते हैं कि मेजर इश्यूज़ वो अपने जूनियर को भी दे सकते हैं हैंडल करने के लिए. वो ज़्यादा फोकस किस पे करें? अपने मेजर इश्यूज़ पर, माइनर इश्यूज़ आगे डेलीगेट कर दें. इट इंक्रीजेज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इससे उनका कंट्रोल का जो दायरा है वो भी बढ़ जाएगा, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बढ़ जाएगा, वो काफ़ी लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे. एंड प्रोवाइड्स बेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सनल, और इससे जो उनके अंडर में लोग सुबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनको भी सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा. ओके, दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. अब हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं. अभी हमने फोर्थ स्टेप की बात की थी, जिसमें हमने क्या बात की? एनालिसिस किसकी बात करी है हमने? मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन से पहले हमने बात करी, टेक्निक्स की बात कर रहे थे हम, और उससे पहले हमारा फोर्थ स्टेप चल रहा था एनालाइजिंग डेविएशन. अब हम फिफ्थ स्टेप पे आ चुके हैं. फिफ्थ स्टेप क्या है हमारा? टेकिंग करेक्टिव एक्शन. अब हमने करेक्टिव एक्शन लेने हैं. हमने पता तो लगा लिया ये भाई मेजर डेविएशन है, ये माइनर, और उसके ऊपर हमने ध्यान भी देना शुरू कर दिया, फोकस भी करा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के रूल से या
दूसरा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात आती है टेकिंग करेक्टिव एक्शन, अब हमने सही मेजर्स लेने हैं उसको सुधारने के लिए, दूर करना है उन कमियों को। वंस द कॉजेज एंड एक्सटेंट ऑफ डेविएशंस आर नोन, जैसे ही हमने पता लगा लिया कि भैया ये रीजन था और ये एक्सटेंट थी, द मैनेजर हैज टू डिटेक्ट दोज एरर्स, उन गलतियों को ढूंढेंगे और उसके लिए रेमिडियल मेजर्स सुझाएंगे, सजेस्ट करेंगे। देर आर टू ऑल्टरनेटिव्स हेयर, हमारे पास यहाँ दो तरीके के ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। पहला, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस फॉर डेविएशन विच हैव अकर्ड, उसके लिए करेक्टिव मेजर्स ले लेंगे। सेकेंड वन, आफ्टर टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स इफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज नॉट इन द कन्फॉर्मिटी विद द प्लान्स, द मैनेजर कैन रिवाइज द टारगेट। यदि हमने मान लीजिए करेक्टिव एक्शंस भी ले लिए और उसके बाद हमने एक्चुअली में चेक किया कि क्या करेक्टिव एक्शन लेने के बावजूद हमारी परफॉर्मेंस जो है वो हमारे प्लान टारगेट्स को मीट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। यदि मीट नहीं कर पा रही तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे, टारगेट बनाया था, वहीं कुछ मिस्टेक है। और फिर मैनेजर का काम क्या होता है, उन टारगेट्स को दोबारा से जरा रिवाइज कर लिया जाए। इट इज हेयर द कंट्रोलिंग प्रोसेस कम्स टू एंड, और यहां पर जाके कंट्रोलिंग खत्म हो जाती है और वापस से प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो फॉलो अप करना बहुत जरूरी होता है यहां पर। तो फॉलो अप इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज इट इज ओनली थ्रू टेकिंग करेक्टिव मेजर्स अ मैनेजर कैन एक्सरसाइज कंट्रोलिंग, यानी करेक्टिव एक्शन लेने के बाद ही तो उसको पता लगता है कि भैया एक्शन लिया हमने, क्या उसके बाद हमारे जो टारगेट थे वो अचीव हुए या नहीं हुए। यदि हो गए तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं हो पाए तो कहीं ना कहीं हमने टारगेट जो सेट किए थे वहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैनेजर उसको रिवाइज कर देगा। तो दीज आर दी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं, हमने क्या क्या स्टेप्स देखे थे। तो हमारा पहला स्टेप पे आते हैं सीधा। तो पहला स्टेप क्या था हमारा, सबसे पहले सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सेकेंड वन इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड वन में हमने कंपेयर किया अपनी परफॉर्मेंस को, फोर्थ में हमने एनालाइज किया, और लास्ट वन था करेक्टिव एक्शन लेना। तो यहाँ पर हमने कंट्रोलिंग प्रोसेस को भी ओवर कर लिया। तो आज के इस पूरे सेशन में हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस कर लिए, हमने आज पूरा चैप्टर ओवर किया जिसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, मीनिंग फीचर्स कंट्रोलिंग के, उसके बाद हमने कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस की बात की, फिर हमने रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग और कंट्रोलिंग के ऊपर बात की, फिर लास्ट जो हमारा जो टॉपिक था वो था कंट्रोलिंग प्रोसेस का, जिसमें हमने दो टेक्निक्स के बारे में भी स्टडी किया, जो कि क्या क्या थी, एक क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और दूसरा था मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जिसकी हेल्प से हम एनालिसिस कर सकते हैं अपनी डेविएशंस का। ओके, अब आपके लिए कुछ इवैल्यूएशन के ये क्वेश्चंस हैं जो आप घर पे आराम से देख सकते हैं और उसको स्टडी कर सकते हैं। मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये पूरा सेशन अच्छे से समझ में आया होगा और आप घर पे इसको दोबारा से एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। ओके, तो आपका काम क्या है, घर पे प्रॉपरली इसको रिवाइज करना विद द हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ओके, और इस वीडियो को भी आप दोबारा से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।